सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysrg.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysrg.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला और आज मेरे साथ हैं शाहिद खान जो कि इंडिया आए हुए हैं फिलहाल। और आप लोग जो व्यूअर्स बहुत समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो शाहिद खान को ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके कोर्सेज भी आप लोगों ने देखे हुए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि शाहिद सर ने अपने बहुत बिजी शेड्यूल में, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए इंडिया आए थे तो सब जगह जाना था उन्हें, लेकिन वो भोपाल उन्होंने अपने प्लान में रखा, इस ट्रिप को ऐसे प्लान किया कि भोपाल वो आ सकें और ये वीडियो शूट करने का हमें टाइम मिल पाया। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। और मैं भी चाह रहा था कि हम दोनों मिले, सामने बात करें एक वीडियो में, तो इट वाज लॉन्ग पेंडिंग। तो हाय गाइस, हाय एवरीवन देयर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब से शाहिद सर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तब से वो इंडिया नहीं आए थे, तो अभी आज ये मौका मिला है। तो हम लोग आज के वीडियो में ना कुछ कमाल की बातें करना चाह रहे हैं। हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे, एक सवाल मैं शाहिद सर से करूंगा, शाहिद सर मेरे से एक सवाल करेंगे, बिकॉज हम लोग, आप लोग जानते हैं कि हम कॉलेज में साथ में थे तो हम लोग एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन कई सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो mysrg.com के लिए इंपॉर्टेंट होंगी या फिर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो सकती हैं एक दूसरे के बारे में, तो वो हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आप लोग सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक शेयर तो ज़रूर करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए शायद ये सिलसिला हम चालू करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूँ, देखिए क्योंकि आपका जो डोमेन रहा है वेब से रिलेटेड रहा है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड रहा है और स्टूडेंट्स भी आपको इसी तरीके से जानते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज आपने करे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक फुल स्टैक डेवलपर किसी को बनना है, जैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि वो फुल स्टैक डेवलपर बने, तो पहली बात तो आप मुझे बताइए कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए प्राइमरीली स्टूडेंट को क्या क्या सीखना पड़ेगा। फुल स्टैक डेवलपर, एक्चुअली ये समझना ज़रूरी है कि फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की स्किल लगती है। हमें मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्चुअली वैसे तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं, लेकिन हम इसे मेनली 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रहता है फ्रंट एंड, यानी कि एज अ पर्सन जो फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बना सके, फ्रंट एंड यानी कि जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें सर्वर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है बैक एंड, बैक एंड में कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सके, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यानी कोई भी ऐसी लैंग्वेज या ऐसा टूल्स जो सर्वर पर रन कर सकें, जैसे कि जावा इंटरप्राइज एप्लीकेशन, C#, रूबी, गो, पाइथन, ये सब कुछ सर्वर पर रन करते हैं। सो जब क्लाइंट और सर्वर इंटरैक्ट करता है, अल्टीमेटली जो फुल स्टैक का रोल है वो जो आया है ज़्यादातर इसके स्टार्टअप्स की वजह से आया है। सो स्टार्टअप्स को, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो उन्हें ऐसे बंदे चाहिए रहते हैं जो सब कुछ कर सकें, दे कैन फिट इन एनीवेयर। सो फुल स्टैक डेवलपर क्या रहेगा, वो फ्रंट एंड भी थोड़ा बहुत कर सकता है, बैक एंड भी कर सकता है, डेटाबेस भी कर सकता है। यानी कि अगर तुम्हें अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना है और तुम्हें इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम उसका फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सब कुछ हैंडल कर सको, देन यू आर ए फ्रंट एंड डेवलपर। यानी कि कंप्लीट वेब एप्लीकेशन आपको अगर बनानी है तो उसमें जितनी चीज़ों की जरूरत होती है अगर वो आप सब कुछ सीखते हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं, और अगर आपको उनमें से किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसमें आप मास्टरी करते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन जैसा कि शायद सर ने बताया कि आजकल जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि एक ही बंदा पूरी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन बना सके और पूरे चीज़ों को जाने, और एज अ स्टूडेंट मेरे ख्याल से सब कुछ जानना तो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वही इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे सोचते हैं कि मुझे इसमें मास्टरी नहीं है, तो फुल स्टैक में ऐसा होता है आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में अच्छे हो सकते हैं लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए बाकी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का भी। लाइक आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर, मेनली मैं ज़्यादातर UI, UX और पूरा इंटरेक्शन देखता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आई हैव नॉलेज इन बैक एंड एंड डेटाबेसिस। तो जब भी टीम को ज़रूरत होती है आई डू दैट वर्क ऑल्सो, सो यू कैन डिवाइड लाइक 60% फ्रंट एंड, 30% बैक एंड एंड 10% मे बी डेटाबेसिस और अदर थिंग्स। दैट्स ग्रेट। तो आप लोग, जिन लोगों को पता नहीं है, मेरी वेबसाइट है mysrg.com और वहाँ पर आपको ऐसे कोर्सेज मिल जाते हैं जिसमें कि आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। वहाँ पे HTML के वीडियोज़ हैं, CSS के वीडियोज़ हैं, JavaScript के वीडियोज़ हैं, मेरे ख्याल से PHP का भी मिल जाएगा, अभी Python का भी वेब एप्लीकेशन वाला पोर्शन आने वाला है, बूटस्ट्रैप का भी हमारे पास कोर्स है, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं,
हमारे पास बैकएंड, डेटाबेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग उनको एक्सप्लोर करें, काफ़ी सारा कंटेंट उसमें फ्रीली अवेलेबल है।